नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने कुछ ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिसे सुनकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए। तो चलो शुरू करते हैं ये फैक्ट्स वाला वीडियो। melosports.com गाइस, जैसे हम जानते हैं ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, हाला प्ले जैसे बहुत सारे फैंटेसी वेबसाइट्स है, राइट? ऐसी वेबसाइट बनाने में या सॉफ्टवेयर बनाने में कम से कम 5 से लेकर 6 लाख रुपए तक का खर्चा होता है, लेकिन melosports.com इतना महंगा स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ कम दाम में आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए, अवर प्रोजेक्ट्स में देखिए, ये सिर्फ आपको बेसिक वर्जन $99 और प्रो वर्जन $399 से प्रोवाइड कर रहा है। तो आप भी जल्दी से इस स्क्रिप्ट को खरीदिए और खुद का फैंटेसी वेबसाइट स्टार्ट कीजिए। दुनिया में अगर सबसे छोटा कोई पार्टिकल है तो उसे हम एटम बोल के समझते हैं, राइट? लेकिन इस विश्व में उससे भी छोटे से चीज मौजूद है, वही है न्यूट्रिनो। ये कितने छोटे रहते हैं बोले तो हम हमारे खुली आंखों से एटम को ही नहीं देख सकते, और इस छोटे से एटम के गोल न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोलने का उसके गोल घूमते रहते हैं। माने वो कितने छोटे रहते हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे का ये न्यूट्रिनो बोलने का एक एटम के भीतर से भी गुजर के जाता है, तो उतने छोटे रहते हैं वो। हमारे इस विश्व में सोलर न्यूट्रिनोस सूरज से बाहर आते रहते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, ये न्यूट्रिनोस हमें नहीं पता जैसा हमारे शरीर के एक छोर से दूसरी छोर गुजर के निकल जाता है, ये बात हमें पता भी नहीं चलता। ये कितना बोले तो सिर्फ हमारे उंगली के कोने में 1 सेंटीमीटर के उतने भाग में 1 सेकंड को 10,000 करोड़ न्यूट्रिएंट्स गुजरते हैं। माने हमें नहीं पता जैसे ही ये न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके और दूसरी तरफ से बाहर भी निकल जा रहे हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये न्यूट्रिनोस कितने छोटे साइज के होते हैं। बारिश गिरते समय में आने वाली बिजली की खड़क बहुत भयंकर तरीके से होते हैं ना, हम देख रहे सो ये छोटे छोटे बिजली ही है। लेकिन साल 2019 में ब्राजील में एक बार लगभग 700 किलोमीटर जितना चौड़ा वाला बिजली खड़का है ब्राजील में। सिर्फ उतना ही नहीं, नॉर्मली अगर कोई भी बिजली खड़के तो वो सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए हमें दिखता है, लेकिन वो बिजली लगभग 16.7 सेकंड्स तक थाकते, उतना देर तक खड़ा रहा वो बिजली। अब तक इस विश्व में सबसे बड़ा बिजली ये बोल के साइंटिस्ट समझ रहे हैं और WMO भी प्रकट किया है। हमने तो आज तक कभी इतनी बड़ी बिजली नहीं देखी। ब्राजील के लोग लकी समझे या अनलकी, क्योंकि उतना खतरनाक बिजली से कई लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन खुशकिस्मत की बात ये है कि उसके वजह से किसी की जान नहीं गई। साल 1984 में रॉबर्ट कनिंगम बोलने वाला एक पुलिस ऑफिसर अमेरिका में एक रेस्टोरेंट को रेगुलरली जाते रहता था। एक दिन नॉर्मली जाके वो खाना खाने के बाद उसको सर्व किए सो फिलो पेंजस बोलने वाला एक वेटर को एक ऑफर दिया है। वो क्या है बोले तो, तुम्हारे को टिप चाहिए या मेरे पास एक 6 लैटरी टिकट्स है या वो चाहिए? इन 6 लैटरी टिकट्स में मैं 3 लूंगा, तुम 3 ले लो। किसी को भी अगर लैटरी आए तो आधा आधा मिलके बांट लेंगे बोल के बताया था। तो उस वेटर ने टिप के बदले उस लैटरी टिकट को लिया है ऑफर के तौर पर। यहाँ पे आश्चर्य की बात क्या है बोले तो, उस पुलिस ऑफिसर को लगभग $6 मिलियन का लैटरी लगा था। माने हमारे इंडियन रुपी में लगभग 45 करोड़ रुपए। अगर कोई भी उतना पैसा देके तो अपना बात बदल देते हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर दिए सब बात प्रकार ही अपना हिस्से में से आधा हिस्सा उस वेटर को दिए है। तब ये वेटर टिप के बदले में लॉटरी टिकट लेने से उसका जिंदगी ही बदल गया है। अब तक इस दुनिया में सबसे बड़ा और वैल्यूएबल टिप बोल के इसे ही बताते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि 45 करोड़ में अगर आधा बोले तो लगभग 22.5 करोड़ उस पुलिस ऑफिसर ने उस वेटर को दिया है। ग्रेट। हमारे आंख के निचले भाग में एक छोटा सा होल रहता है, अगर गौर करके देखे तो वो हमें भी दिखता है। इसको लाक्रिमल पंटन बोल के बोलते है। ये होल आंख से डायरेक्टली नाक से कनेक्ट होकर रहता है। हम रोते वक्त आंखों में से आने वाला पानी इस होल के अंदर से हमारे नाक में जाता है, इसीलिए हम रोते वक्त नाक में से भी पानी बहते रहता है। बॉडी में हो रहे मेटाबॉलिज्म के प्रकार से एक एक जीव को एक एक जीवित काल रहता है। थोड़े जीव 100 से भी ज्यादा साल जिए तो, और थोड़े जीव कुछ घंटे ही जीते हैं। तो इस दुनिया में सबसे कम समय जीवित रहने वाला जीव कौन सा है आपको पता है? वो है मेफ्लाइज। ये सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रहते हैं। अगर कभी कभी परिस्थिति अनुकूल नहीं रहे तो वो 24 घंटे के अंदर भी मर जाते हैं। इसलिए इसको वन डे इंसेक्ट्स बोल के बुलाते हैं। इसके अंदर 2500 प्रकार के कीड़े भी है। इनका सिर्फ एक ही काम होता है, पैदा होना, सेक्स करना, अंडे लगाना, फिर मर जाना। सिर्फ एक दिन के लिए जीवित रहने के बावजूद भी ये फिर से पैदा हो रहे बोले तो, इसलिए इनका साइकिल भी बहुत फास्ट है, इसलिए इसका जात अभी भी जीवित है इस दुनिया में।
वारे वाह, एक दिन में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन इस कीड़े का तो पैदा भी हो गया, सेक्स भी हो गया, अंडे भी डाल दिया, फिर मर गया। नॉर्मली हम श्वास को नहीं लिए तो ज्यादा देर नहीं जी पाते, लेकिन बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के एक टीम माइक्रो पार्टिकल एलिक्सन को डेवलप किया है। ये हमारे बॉडी में चढ़ा लिए तो हम आधा घंटे तक बिना श्वास के जीवित रह सकते हैं। इसको हमारे ब्लड के अंदर चढ़ाए सो तुरंत ही शरीर में है सो हर कण को ये ऑक्सीजन को भिजाता है। सुनने के लिए ये साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रहा है, लेकिन ये सच है। अमेरिका में इलिनॉय बोलने वाला एक स्टेट में रिले हार्नर बोलने वाली इस लड़की के सर पे एक बार जोर से मार लगा था। उससे हर दो घंटे में एक बार इसका मेमोरी रीसेट हो जाता है, माने गुजरे से दो घंटे में क्या हुआ वो भूल जाते रहती है, बिल्कुल गजनी के तरह। हर दिन सुबह उठने के बाद वो जून 11 तारीख बोल के समझती है। वो जून 11 ही उसके सर पे मार लगे सो दिन था। ये लड़की हमेशा अपने साथ एक बुक पेंसिल को लगा लेती है, क्योंकि वो हर बात को नोट कर सके। उसके फोन में हर चीज फोटो लेती है कि आज के दिन क्या हुआ बोलने का। उसी तरह हर दो घंटे को एक बार अलार्म सेट कर लेती है और भूल गए सो विषय को याद करने लगती है, बिल्कुल गजनी के तरह। हम गजनी मूवी में देखे थे कि हर 15 मिनट को वो भूलता है, हर चीज याद लगाने के लिए वो लिख लेता है। रियल लाइफ में बिल्कुल उसी तरह इस लड़की का जिंदगी भी है। इस याददाश्त भूलने से इस लड़की का जीवित बहुत कंफ्यूजन रहता है, कते कितना मुश्किल है ना, लेकिन फिर भी वो जीवित है और सर्वाइव कर रही है, दुनिया से लड़ रही है। ग्रेट। हमारे में एक एक बंदे को एक एक हॉबी होता है। एक्सन एरलारसन बोलने वाला एक किसान झाड़ों को अलग अलग आकार में पैदा करने के लिए हॉबी बना लिया है। ये झाड़ छोटे है जब ही उसको होने ऐसे शेप में उसको बदल देता था, इससे झाड़ अलग अलग आकार में उत्पन्न होने लगे। जैसा वो डिजाइन किया उसी आकार में बनते है। इसके अंदर कुछ ऐसे है, आर्च, ग्रिड, डोर्स, लव सिंबल, चेयर, ऐसे कई प्रकार के झाड़ों को हम देख सकते है। कितना ग्रेट है ये आदमी, इसको डेफिनेटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का किताब मिलना चाहिए। साधारण से एक वीडियो को ही 1,00,000 व्यू आना बोलता बहुत मुश्किल की बात है। वैसे में इंडोनेशिया में है सो एक बच्चा यूट्यूबर 2 घंटे 20 मिनट तक कुछ भी किए बगैर, हिले बगैर सिर्फ कैमरा को ही देखते बैठ गया है। उस वीडियो को रिकॉर्ड कर उस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। ये वीडियो दुनिया भर में बहुत वायरल हो चुका है। ये वीडियो सिर्फ पिछले महीने जुलाई 20, 2020 को अपलोड किए तो अब तक इस वीडियो को 27,00,000 व्यूज आए हैं। वो बंदा केवल 5 से लेकर 10 मिनट तक बिना हिले बैठेंगे बोल के सोचा था, लेकिन वो बिना हिले अच्छाई रहने के कारण वो उसी तरह कंटिन्यू करते करते 2 घंटे 20 मिनट तक कैमरा के सामने वैसे बैठ गया। ये ऐसा है तो थोड़े लोग ये कितने बार हिला, कितने बार अपने पलकों को झपका बोलने का रिकॉर्ड करके कमेंट सेक्शन में बताने लगे। ये देखकर बहुत सारे लोग उनको भी व्यूज आना बोल के 4-5 घंटे, थोड़े लोग 8 घंटे तक इसी के जैसा कॉपी करके कैमरा के सामने बैठ कर रिकॉर्ड करने लगे। लेकिन बात यह है कि जो पहले करता है वही वायरल होता है। अगर उसका नकल करेंगे, कॉपी करेंगे तो उतने व्यूज आपको नहीं मिलेंगे, पर फिर भी लोग ऐसा कर रहे हैं। चाहे तो आप YouTube में अभी देख सकते हैं। दुनिया में कुछ लोगों को AHS बोलने का एक बीमारी होती है, उसका मतलब है एलियन हैंड सिंड्रोम। ये बीमारी है से लोगों में उनका एक हाथ उनके कंट्रोल में नहीं होता, ज्यादातर ये नॉन डोमिनेंट हाथ को ही आता है। माने वो लोग राइट हैंड से ज्यादा काम किए तो लेफ्ट हैंड में आता है। अगर लेफ्ट हैंड का आदत है सो वालों को राइट हैंड में वो बीमारी आता है। इस तरह हाथ एलियन हैंड सिंड्रोम के वश में होता है। ये सिंड्रोम के वजह से उनके आदेश के बगैर ही वो हाथ अपने आप हिलना, कभी कभार हम जो भी सोचते हैं उसका उल्टा भी करता है वो। माने एग्जांपल, अगर हम चाहेंगे कि डोर लॉक करे लेकिन वो डोर खोल देता है, अगर तुम डोर खोलने की सोचे तो वो डोर लॉक कर देता है, ऐसा उल्टा काम भी करता है वो। और उसी तरह ऑफिस में जब वो हाथ अपने आप पेन उठा के दूसरों को मारना, ऐसे काम भी करता है। कभी कभार वो हाथ खुद को ही मारता है, पचकड़ मारता है, भैरी मारता है, घुसा मारता है, कभी कभार तो अपना मालिक का गला ही दबा देता है वो। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है हमको, लेकिन ये सच है। ऐसी बीमारी बहुत सारे लोगों को है दुनिया में। ऐसे समय में उनको क्या लगता है बोले तो उनके हाथ को वो नहीं बल्कि कोई और कंट्रोल कर रहे बोले ऐसा लगता है। ब्रेन स्ट्रोक, इन्फेक्शन, ट्यूमर, अल्जाइमर्स, ऐसे कुछ बीमारी है तो इस सिंड्रोम के चपेट में आते है। फिलहाल दुनिया में लगभग 150 से भी ज्यादा लोग इस सिंड्रोम से पीड़ित है। अगर ऐसा हमको रहा तो आप ही सोचिए, हम सही काम करने गए तो गलत काम कर देता है, गलत काम करे तो कभी कभी सही काम भी करता है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये फैक्ट्स वाला वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।